नमस्ते। आईटीआई में पढ़ने वाले सभी बच्चे जो इलेक्ट्रिकल ग्रुप के हैं और सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है। आज हम इलेक्ट्रिकल ग्रुप सेकेंड में आर्मेचर वाइंडिंग से संबंधित सर्किट वगैरह देखेंगे। ये मैकेनिकल ट्रेड के लिए है। इलेक्ट्रिकल ग्रुप का जो है सेकेंड ईयर का इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसका सिलेबस इस प्रकार है। ये 6 टॉपिक हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। सर्किट ड्राइंग, लेआउट इत्यादि, वैद्युतिक मशीन मुख्य 2 प्रकार की होती है, डीसी तथा एसी। दोनों प्रकार की मशीनों में एक भाग स्थिर रखा जाता है और दूसरा भाग सचल होता है। मशीन के जिस भाग में विद्युत भाग बल प्रदान किया जाता है या उत्पन्न होता है वह इसका मुख्य भाग कहलाता है। डीसी मशीन में मुख्य भाग आर्मेचर होता है। जनित्र द्वारा विद्युत भाग बल आर्मेचर से ही प्राप्त होता है और डीसी मोटर में आर्मेचर को ही मुख्य रूप से विद्युत भाग बल प्रदान किया जाता है। एसी मशीन का मुख्य भाग स्टेटर होता है और अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भाग बल स्टेटर से ही प्राप्त होता है तथा एसी मोटर से स्टेटर को ही मुख्य रूप से विद्युत वाहक बल प्रदान किया जाता है। अतः आर्मेचर या स्टेटर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने हेतु कॉइल स्थापित की जाती है। इस प्रकार कॉइल्स की स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट क्रम में किए जाने वाला कार्य है। आर्मेचर स्टेटर कोर के खांचे में क्रमबद्ध विधि से चालकों को स्थापित करना और विशिष्ट क्रम में उनका संयोजन करना ही आर्मेचर वाइंडिंग या वाइंडिंग कहलाता है। डीसी आर्मेचर वाइंडिंग संबंधी पद, सबसे पहला है कॉइल या वाइंडिंग एलिमेंट। 2 एक्टिव कंडक्टर तथा 2 एंड कनेक्शन से बना लूप वाइंडिंग एलिमेंट कहलाता है। नीचे चित्र में दिए गए हैं कॉइल वाइंडिंग एलिमेंट्स। सिंगल टर्न कॉइल, उसके बाद है 3 टर्न कॉइल और फिर है मल्टी टर्न कॉइल। एक्टिव साइड, कॉइल का वह भाग जो आर्मेचर कोर के खांचे में अवस्थित रहता है और जिसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है एक्टिव साइड कहलाता है। एक कॉइल में 2 एक्टिव साइड होती है। तो ऊपर जो सर्किट लूप दे रखा है उसमें AB और CD 2 एक्टिव साइड हैं। इन एक्टिव साइड, कॉइल का वह भाग जो आर्मेचर कोर के खांचे से बाहर रहता है जो कॉइल के 2 एक्टिव भागों को जोड़ता है, इन एक्टिव साइड या एंड कनेक्शन कहलाता है। प्रत्येक कॉइल में निम्न 2 एंड कनेक्शन होते हैं, फ्रंट एंड कनेक्शन, बैक एंड कनेक्शन। तो इनमें से कम्यूटेटर के निकट वाला जो कनेक्शन है फ्रंट एंड कनेक्शन कहलाता है, इसके विपरीत वाला जो कनेक्शन है वो बैक एंड कनेक्शन कहलाता है। कॉइल लीड्स, किसी कॉइल के संयोजन कार्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले आरंभ तथा अंत के सिरे कॉइल लीड्स कहलाते हैं। पोल पिच, 2 संलग्न पोल्स के बीच की दूरी पोल पिच कहलाती है। ये एक संख्या होती है जो आर्मेचर स्लॉट्स
अथवा चालकों की संज्ञा के रूप में व्यक्त की जाती हैं और इसे वाईपी से प्रदर्शित करते हैं। तो पोल पिच का जो ये फार्मूला दे रखा है, स्लॉट्स की कुल संख्या और फिर पोल्स की संख्या, या चालकों की कुल संख्या डिवाइडेड बाय पोल्स की संख्या। कॉइल स्पिन या कॉइल पिच, एक कॉइल की दो एक्टिव साइड के बीच विद्यमान स्लॉट्स अथवा चालकों की संख्या कॉइल स्पान या कॉइल पिच कहलाती है। ये कॉइल पिच इस प्रकार से दर्शाएंगे फिगर में। फ्रंट एंड बैक पिच, दूसरी कॉइल की प्रथम एक्टिव साइड तथा प्रथम कॉइल की दूसरी एक्टिव साइड के बीच की दूरी फ्रंट पिच कहलाती है, वाई पी। आर्मेचर के बीच की और कम्यूटर की दूसरी ओर एक कॉइल की दो एक्टिव साइड्स के बीच की दूरी बैक पिच कहलाती है। तो ये फ्रंट और बैक पिच ये दे रखी हैं। फिर है परिणामी पिच, दो सर्कल कॉइल की प्रथम एक्टिव साइड्स की दूरी परिणामी पिच कहलाती है। यह दूरी भी स्लॉट्स अथवा चालकों की संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है। कम्यूटेटर पिच, एक कॉइल की दोनों एक्टिव साइड के बीच की दूरी कम्यूटेटर पिच कहलाती है। यह दूरी कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है। प्रोग्रेसिव कनेक्शन, जब वाइंडिंग लीड्स को कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि वे एक दूसरे को ओवरलैप न करें और वाइंडिंग के आगे बढ़ने की दिशा में ही बढ़े, तो यह संयोजन प्रोग्रेसिव संयोजन कहलाता है। रिट्रोग्रेसिव संयोजन या रिट्रोग्रेसिव कनेक्शन, जब वाइंडिंग लीड्स के कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि वे एक दूसरे को ओवरलैप करें और वाइंडिंग की आगे बढ़ने की दिशा के विपरीत दिशा में आगे बढ़े, तो यह संयोजन रिट्रोग्रेसिव संयोजन कहलाता है। तो ये 1, 2, 3 है कम्यूटर सेगमेंट दिखाए गए हैं। सिमेट्रिकल वाइंडिंग, वह वाइंडिंग जिसमें कार्बन ब्रश को कॉइल्स की मध्य रेखा पर स्थापित किया जाता है और कॉइल लीड्स को ऐसे कम्यूटर सेगमेंट से संयोजित किया जाता है जो एक कॉइल पार्श्व की मध्य रेखा पर हो, सिमेट्रिकल वाइंडिंग कहलाती है। तो परिभाषा इंजीनियरिंग में परिभाषा नहीं पूछेंगे आप, केवल फिगर पूछेंगे इसके स्क्रीन पर। सिमेट्रिकल वाइंडिंग, अनसिमेट्रिकल वाइंडिंग, वह वाइंडिंग जिसमें कार्बन ब्रश को पोल्स की मध्य रेखा पर स्थापित नहीं किया जाता और कॉइल लीड्स को ऐसे कम्यूटर सेगमेंट से संयोजित किया जाता है जो एक कॉइल को मध्य रेखा की एक ओर हो, अनसिमेट्रिकल वाइंडिंग कहलाती है। ये अनसिमेट्रिकल वाइंडिंग का ये इस प्रकार से बना रखा। ग्राउलर, ग्राउलर एक विद्युत चुम्बकीय यंत्र है जिसका प्रयोग आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट दोष, ओपन सर्किट दोष इत्यादि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये ग्राउलर, इसका उपयोग थोड़ी में पूछ सकते हैं। तो ये विद्युत चुम्बकीय यंत्र है आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट दोष या ओपन सर्किट दोष इत्यादि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फिर है शॉर्ट सर्किट परीक्षण, इस परीक्षण के लिए आर्मेचर को ग्राउलर के वी खांचे पर रखकर यंत्र की कॉइल को 230 वोल्ट एसी इस तरह से संयोजित कर दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से शॉर्ट सर्किट परीक्षण दिखाया गया है। ओपन सर्किट से टेस्ट, इस परीक्षण के लिए शॉर्ट सर्किट परीक्षण की बात ही आर्मेचर को ग्राउलर की कॉइल से संयोजित किया जाता है। अब एक पीवीसी तार के टुकड़े से कम्यूटर पिच के बराबर अंतर रखते हुए कम्यूटर सेगमेंट को आपस में शॉर्ट सर्किट किया जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न हुई स्पार्किंग की मात्रा देखी जाती है। यदि कम्यूटर की जांच स्पार्किंग करने पर कहीं दिखाई पड़ती है तो उस सेगमेंट से संबंधित कॉइल में ओपन सर्किट दोष विद्यमान है।
डीसी वाइंडिंग के प्रकार, डीसी वाइंडिंग के प्रकार ये लैप और वेव वाइंडिंग मुख्य रूप से दो हैं। लैप वाइंडिंग, जिस आर्मेचर वाइंडिंग में कोयल के संयोजक सिरे एक दूसरे पर ओवरलैप रहते हैं, लैप वाइंडिंग कहलाती है। ये भी दो प्रकार की हैं, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग कोई 1 2 3 दिखा रखी है, और मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ये डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग होगी, ये ट्रिप्लेक्स वेव ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग होगी, और ये क्वाड्रुप्लेक्स लैप वाइंडिंग होगी। तो हमने कौन कौन सी देखी है, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, दूसरा कौन सा देखा है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, तीसरा ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग, चौथा क्वाड्रुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग का विकसित आरेख निम्न प्रकार बनाया जाता है। यदि दिया गया हो ध्रुवों की संख्या पोल, अगर दो पोल हैं, चालकों की संख्या 12 हैं, तो पोल पिच जेड अपॉन पी, यानी आप 6 पोल पिच निकल गई, बैक पिच जेड अपॉन पी प्लस 1 यानी 7 हो गए, फ्रंट पिच जेड अपॉन पी माइनस 1 कर देंगे 5 हो गए। तो ये निकालना आना चाहिए सबको। लेफ्ट वाइंडिंग की तालिका दे रखी है, अगर बैक पिच 8 है तो फ्रंट पिच 8 माइनस 5 इक्वल 3, अगर बैक पिच 3 प्लस 7 10 है तो फ्रंट पिच 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो इससे ये निकालेंगे। लेफ्ट वाइंडिंग का विकसित और तुल्य रिंग आरेख दिखाए गए हैं। लैप वाइंडिंग का विकसित आरेख, तो अगर लैप वाइंडिंग के बारे में इंजीनियरिंग में पूछें तो आप ये बना सकते हो विकसित आरेख। ये तुल्य रिंग आरेख। अब आता है वेव वाइंडिंग, जिस आर्मेचर वाइंडिंग में कोयल्स के संयोजन सिरे कम्यूटेटर पर निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं तो वह वेव वाइंडिंग कहलाती है। यह वाइंडिंग निम्न दो प्रकार की है, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग, ये सिंप्लेक्स, और मल्टीप्लेक्स वेव वाइंडिंग में पहले डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग, उसके बाद ये ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग, कोयल की संख्या दर की है, ध्रुव की संख्या दर की, चार की संख्या दर की है, तो हम ये वाई निकाल सकते हैं। तो ये जो बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों हम निकाल सकते हैं। लैप और वेव वाइंडिंग के आरेख बनाए संबंधी बिंदु, हमें केवल वेब वाइंडिंग का फिगर बनाना है। ये विकसित आरेख है वेब वाइंडिंग का। वेब वाइंडिंग का विकसित आरेख कुछ लाभ ये बना सकते हैं। ये रिंग आरेख, विकसित वाइंडिंग डायग्राम, निकालने की प्रक्रिया है, यह नहीं पूछेंगे। लैप और वेव वाइंडिंग का चित्र जो विकसित आरेख परीक्षा में, उनके चित्र पूछेंगे। यह प्रश्न की स्थिति याद करना, तो थोड़ी इंजीनियरिंग में थोड़ी बहुत कुछ नहीं लिखना है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। डिग्री विधि में वैद्युतिक डिग्री निकालकर
ब्रश को 0 डिग्री तथा 180 डिग्री पर रखा जाता है। ये इसको आप पढ़ सकते हैं। एसी मशीन वाइंडिंग से संबंधित पद, एसी मशीन वाइंडिंग से संबंधित पद है टर्नर, ये वाइंडिंग एलिमेंट कहलाता है। चालकों का वह बंद मार्ग है जो दो असमान ध्रुवों के प्रभाव के अंतर्गत अवस्थित चालकों को जोड़ने से तैयार होता है, वाइंडिंग एलिमेंट या टर्न कहलाता है। फिर है कॉइल पिच, एक कॉइल की दो एक्टिव साइड्स जो असमान ध्रुवों के अंतर्गत हो के बीच की दूरी कॉइल पिच या वाइंडिंग पिच या कॉइल स्पान कहलाता है। फिर आता है कॉइल कनेक्शन, एक ही कॉइल ग्रुप की एक कॉइल के अंतिम सिरे को दूसरे कॉइल के प्रारंभिक सिरे से संयोजित करने वाली जो लीड है वो कॉइल कनेक्शन एंड कनेक्शन कहलाते हैं। फिर है पोल कनेक्शन, एक ही फेस के अंतर्गत एक कॉइल ग्रुप से संयोजित करने वाली लीड पोल कनेक्शन या ग्रुप कनेक्शन कहलाती है। इस कनेक्शन को निम्न दो प्रकार से किया जाता है, एडजेसेंट पोल कनेक्शन, ये दे रखा है देखो वायरिंग इस प्रकार से है, और दूसरा है अल्टरनेट पोल कनेक्शन। तो दोनों ही तरह के पोल कनेक्शन दे रखे हैं, इनका वायर का सर्किट ये बना रखा है। विभिन्न प्रकार की एसी वाइंडिंग, ये थ्योरी के अंदर पूछ सकते हैं एसी वाइंडिंग के प्रकार लिखिए तो आप ये लिख सकते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं पूछेंगे। बास्केट वाइंडिंग, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, स्किन वाइंडिंग, फ्लैट लूप, नॉन ओवरलैप वाइंडिंग, फ्लैट लूप ओवरलैप या चैन वाइंडिंग, स्क्रू वाइंडिंग, डायमंड कॉइल वाइंडिंग और इनवर्ट कॉइल वाइंडिंग। ये बास्केट वाइंडिंग है, फिर ये कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग है, और नेक्स्ट चलते हैं ये स्किन वाइंडिंग है, ये फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग है, ये फ्लैट लूप ओवरलैप चैन वाइंडिंग है, ये स्क्यू वाइंडिंग है, ये डायमंड कॉइल वाइंडिंग है, ये इनवलट कॉइल वाइंडिंग है, उदाहरण देखा है ये आपको थोड़ी में पूछ सकते हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। एक फेज, एक थ्री फेज, चार ध्रुव, 24 लॉट, 12 कॉइल, विद्युत प्रकार की सिंगल लेयर वाइंडिंग का विकसित आरेख बनाएं। ये जो कैलकुलेशन हम इस प्रकार करेंगे, प्रति फेज कॉइल की संख्या निकालेंगे, कुल कॉइल की संख्या डिवाइडेड बाई फेजों की संख्या। बाहर कोयल पिच निकाले, आंतरिक कोयल पिच निकाले, कोयल थ्रो निकाला, वैद्युतिक डिग्री, इलेक्ट्रिकल डिग्री, स्लॉट की दूरी, फेज विस्थापन, वाइंडिंग सीक्वेंस, कोयल की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ कोयल, कोयल का समूह ए बी सी, इसमें देखिए कोयल का समूह दे रखा है। फिर एंड कनेक्शन, फिर कॉइल कनेक्शन, फिर है विकसित आरेख, एक कॉइल समूह एंड के अंदर सतह विकसित आरेख इस प्रकार से बनाएंगे। ये चॉइस स्लॉट है, फिर है रिंग आरेख, ये वाला इम्पोर्टेंट है फिगर, सितारे डॉलर डायग्राम, पोल कनेक्शन एंड कॉइल कनेक्शन वो हम इस प्रकार दर्शाएंगे। एडजेसेंट पोल कनेक्शन इस प्रकार से दर्शाएंगे,
इसके बाद अल्टरनेट पोल कनेक्शन दर्शाएंगे, फिर वाइंडिंग एलिमेंट तो हम इस प्रकार दर्शाएंगे, सिंगल टर्न, थ्री टर्न, मल्टी टर्न, कॉइल पिच ऐसे दर्शाएंगे, फ्रंट एंड बैक पिच ऐसे दर्शाएंगे, प्रोग्रेसिव कनेक्शन डीसी, रिट्रोग्रेसिव कनेक्शन डीसी, फिर सिमेट्रिकल वाइंडिंग डीसी, अनसिमेट्रिकल वाइंडिंग डीसी, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग, कॉइल वन, कॉइल एक्स वाई के, फिर डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, इनके केवल आपको सर्किट डायग्राम ही बनाना है, इस प्रकार वाइंडिंग की जाती है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग और ही कुछ नहीं लिखना है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, क्वाड्रप्लेक्स लैप वाइंडिंग, तो ये वेरियस लैप वाइंडिंग है। अभी कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग है और ये इनवोलेट कोइल वाइंडिंग है, फिर ये स्क्रू वाइंडिंग, डायमंड कोइल वाइंडिंग, फ्लैट लूप नन ओवरलैप वाइंडिंग, ये चेन वाइंडिंग, ये बास्केट वाइंडिंग, ये स्किन वाइंडिंग, ये लैप वाइंडिंग, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग रिट्रोग्रेसिव टाइप, वाई इज इक्वल टू 8, वाई बराबर 7, वाई एफ बराबर 9, इसके लिए 16 स्लॉट, 4 पोल और 32 कंडक्टर, आर्मेचर 16, वेव वाइंडिंग डायग्राम से तो ये बना सकते हैं। चार पोल 21 स्लॉट 42 चालक वाले डबल लेयर वेव वाउंड आर्मेचर का डेवलप डायग्राम ये चित्र दे रखा है, तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से ये फिगर है। चार पोल NS ये दे रखे हैं, 21 स्लॉट और 42 चालक, अब क्लासिफिकेशन ऑफ वाइंडिंग वापस पढ़ते हैं। देखो क्लोज्ड कोइल वाइंडिंग, ओपन कोइल वाइंडिंग, फिर है पार्ट्स ऑफ ए कोइल, फ्रंट बैक एंड कम्यूटेटर पिच, फिर है लैप वाइंडिंग और ये डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ये सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ब्रश साइज फॉर वेरियस लैप वाइंडिंग, ये वेव वाइंडिंग और ये डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग, ये सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग, वाइंडिंग और कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, ये स्कैन वाइंडिंग, फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग, फ्लैट लूप ओवरलैप्ड वाइंडिंग और चेन वाइंडिंग, स्क्यू वाइंडिंग, डायमंड कोइल वाइंडिंग, इनवोलेट कोइल वाइंडिंग, तो ये विभिन्न प्रकार के वाइंडिंग्स हैं। सिंगल फेज कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग डेवलपमेंट डायग्राम, तो ये सिंगल लेयर कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग 24 स्लॉट, 4 पोल, सिंगल फेज मोटर वाइंडिंग डिटेल एंड डायग्राम, तो ये जो गणना आप करना चाहते हैं तो इस प्रकार करेंगे, हम इसका सर्किट बनाएंगे। देख लीजिए ग्रुप कनेक्शन डिटेल दे रखी है, उसके बाद ये सर्किट आ गया, 24 स्लॉट, 4 पोल, सिंगल फेज कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग डेवलप नहीं,
ये इम्पोर्टेंट है, अगर क्वेश्चन भी आ गया कि 24 लोअर 4 पोल सिंगल फेज कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का डेवलप डायग्राम बनाइए, तो ये इस प्रकार बनाएंगे। इम्पोर्टेंट है ये थ्री फेज कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग डेवलपमेंट डायग्राम। ये थ्री फेज 24 स्लॉट 12 कॉइल 4 पोल सिंगल लेयर हाफ कोइल कनेक्शन कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग डिटेल। ये गणना आप करना चाहे तो कर लें, हमें केवल सर्किट डायग्राम बनाना। ये हाफ कोइल कनेक्शन, ये 24 फोर फ्लोर थ्री फेज सिंगल लेयर हाफ कोइल कनेक्शन कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग डेवलपमेंट डायग्राम। तो जैसे इसका नाम इतना लंबा है कि कौन सी वाइंडिंग है आपको याद रखनी है और इसको बना कर देख लो। 24 स्लॉट 4 पोल 3 फेज सिंगल लेयर हाफ कोइल कनेक्शन कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग डेवलपमेंट डायग्राम अच्छी तरह याद कर लें और उसका इस प्रकार से स्केच बनाना है। इसको अपने हाथ से बना कर देख लें। सिंगल लेयर लेयर वाइंडिंग, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये पहले भी देख चुके हैं, दोबारा आ गया है कोई बात नहीं। ये इम्पोर्टेंट है थ्री फेस 24 स्लॉट 4 पोल वाइंडिंग कनेक्शन डबल लेयर डेवलपमेंट डायग्राम। अरेंजमेंट ऑफ कॉइल इन स्लॉट एंड सेगमेंट कनेक्शन, डेवलपमेंट डायग्राम फॉर डीसी सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग। तो ये गणना आप करना चाहते कर लेते थे। वाइंडिंग डायग्राम फॉर किसके लिए करना है, टू पोल 7 स्लॉट 7 सेगमेंट 14 कंडक्टर सिंप्लेक्स डबल लेयर वेव वाइंडिंग। तो आप डायरेक्ट इसका सर्किट बनाएं, डेवलपमेंट डायग्राम फॉर वेव वाइंडिंग। ये किसका डेयर है, टू पोल 7 स्लॉट 7 सेगमेंट 14 कंडक्टर, ये बना देखिए इसमें 7 स्लॉट्स हैं। डिफरेंट शेप ऑफ कोइल, ये तो वी शेप कोइल हो सकता है, यू शेप कोइल हो सकता है, एस क्यू कोइल हो सकती है और मश कोइल हो सकती है। डायमंड कोइल इस प्रकार होगी और कॉम्बिनेशन कोयल इस प्रकार होगी, इन्वर्टेड कोयल इस प्रकार होगी। फ्रंट एंड बैक पिच को इस प्रकार दर्शाएंगे, थ्री टर्न कोयल इस प्रकार होगी, सिंगल टर्न कोयल इस प्रकार है, कोयल पिच को ऐसे दर्शाएंगे, मल्टी टर्न कोयल रैप्ड विथ टैप। मल्टी टर्न जब कोयल होती है तो हम उसके चारों तरफ इंसुलेशन करने के लिए पहले हम टैप लपेटेंगे, उसके बाद इंसुलेशन ऑयल देंगे और सुखाएंगे। सिंप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग, ये डुप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग। डेवलपमेंट डायग्राम फॉर ऑफ ए डीसी आर्मेचर वेव सिंप्लेक्स वाइंडिंग, ये 9 स्लॉट 9 कम्यूटेटर सेगमेंट 4 पोल के लिए दे रखा है। तो लेप और वेव वाइंडिंग के दो फिगर तो आप अच्छे से बना के जाएं, स्लॉट के अनुसार स्लॉट रखें। अगर वो कहते हैं कि 9 स्लॉट तो ये 9 स्लॉट रखने हैं, 7 स्लॉट 7 स्लॉट रखने हैं। आज ये चैप्टर में इतना ही करेंगे, तो इसके अंदर से जो क्वेश्चन है दो क्वेश्चन ही हैं, या तो कोई भी एक लेफ्ट वाइंडिंग का चित्र बनाइए या फिर वेव वाइंडिंग का। अगर स्लॉट की संख्या दे रखी है तो उसके हिसाब से बनाइए, और कुछ नहीं लगा तो कोई भी एक लेफ्ट वाइंडिंग बना दीजिए किसी की भी, कितने स्लॉट
आप रख सकते हैं। थैंक यू।